चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको ले चलता हूँ आज एक बहुत ही अद्भुत जर्नी में, जहाँ पे आप देखेंगे डंपर्स। ये देखिए मेरी कार और ये डंपर का साइज, मेरी कार से ऑलमोस्ट 20 टाइम्स बहुत बड़ा है ये। और ये जो डंपर है ये ऑलमोस्ट 180 टन का कार्गो एक बार में उठा सकता है या कोयला उठा सकता है। इस डंपर पे बैठ करके मैं आज अपने पिताजी के साथ आप लोग को खदान कोल माइंस का सैर करवाऊंगा। वो आ रहा आपका जहाँ से ड्राइविंग की जाती है। अब मैं आपको इस साइड से दिखा रहा हूँ, ये देखिए इसके टायर कितने बड़े हैं। ये ऑलमोस्ट एक आदमी के 1.5 टाइम साइज होता है। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं। मेरे फादर जो हैं वो जा रहे हैं एक बार इसका इंस्पेक्शन करने, दूसरी साइड में जगह कितना है ये वो देख लेंगे, और ये देखने के बाद फिर हम लोग चलेंगे डंपर के ऊपर। तो ये पिताजी ने मेरे साइड में देख लिया कि जगह कितना है, जिससे कि आराम से इस डंपर को बाहर निकाला जा सके। अब चलिए चलते हैं हम लोग सीढ़ी के ऊपर से, एंड देन हम अपने ड्राइविंग पोजिशन पर जाके बैठते हैं। चढ़ना इसमें एक बार ध्यान देना है, बस इसमें जो रेलिंग लगी हुई है उस रेलिंग का बहुत ज़रूरी ध्यान देना है आपको। रेलिंग पकड़ कर ही चढ़ना पड़ता है, सेफ्टी का मैटर है ये। तो ये लोग तो ऊपर पहुंच गए, चलिए मैं भी ऊपर चलता हूँ अब धीरे धीरे। ये सीढ़ियाँ टोटली मेटल की बनी हुई है फ्रेंड्स, और हम आगे बढ़ रहे हैं। ये मेरे पिताजी और मेरा छोटा भाई, ये दोनों ड्राइविंग पोजिशन पर बैठ चुके हैं, और अब हम लोग देखते हैं इसमें कैसा दिखता है। इधर भी देखिए यहाँ CO2 सिलेंडर्स रखे हैं। अंदर बैठ जाए, आओ बैठो, आइए अंदर, जगह तो कमलेश। आओ यार, हवाई जहाज चला लो। हवाई जहाज नहीं, डंपर है, डंपर ना। हेलो हेलो, आपका माइक को मिला है नेचर से। पापा हम कितना फीट ऊपर होंगे जमीन से? 20 फीट 15 फीट 20 फीट ऊपर है ना? 20, हाँ लग रहा है। सीसीटीवी लगा हुआ है यहाँ पे, बैक लुकिंग है, बैक नहीं है फ्रंट है, बैक है यार, बैक चलो पापा को चलाना है। चलाना बहुत आसान है। ऑटो गियर है सब में। अच्छा, सारा ऑटो गियर है। हाँ। आपको कुछ चेंज नहीं करना है, लगा देंगे 5 नंबर में, 5 गियर तक चलेगा। अच्छा, चलिए अब हम बैक कर रहे हैं इसको, अपने डंपर को बैक कर रहे हैं बहुत ही ध्यान देते हुए, और ये टर्निंग कंप्लीट होने वाली है, ऑल क्लियर। अब हम लोग वापस मुड़ के खदान की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स हम ऑलमोस्ट 20 फीट जमीन के ऊपर हैं, तो बहुत ही अप डाउन हो सकता है। ये देखिए इतने बड़े बड़े गड्ढे, इस डंपर के लिए कुछ भी नहीं है, ऐसा लग रहा है जैसे बस छोटा सा जर्क, थोड़ा सा जर्क लग रहा है बस। ये अब मैं चलता हूँ बाहर, ये देखिए बाहर का सीन, वहाँ एक्सटिंग्विशर लगे हैं। ये खदान में हम लोग पहाड़ पे धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, और ये सामने का रोड, अभी एक दिन पहले बारिश हुई थी फ्रेंड, इसीलिए थोड़ा अभी ये गीला गीला सारा पानी भरा हुआ है, और एरिया बहुत ही स्लिपरी है। तो चलिए मैं बाहर से दिखाता हूँ आपको, ये है वो डंपर, ये पापा लोग चला रहे हैं। नॉइस कैंसिलेशन है, उसमें बहुत तगड़ा वो दिया होगा ना, पैकिंग हो गई बहुत अच्छी। पहाड़ पे
ऐसा लग रहा है हम पहाड़ पे बैठे हैं, पहाड़ हिल रहा है। बहकी सभी जुबा है हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है हर चीज खास है, अब है जो है वो समा है तुम रह सके तो रबा है, अब है जो है वो समा है तुम रह सके ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी है। सहनी हमें सजा है हम हैं बाजारों के, सबकी नजर यहाँ है। पापा तो अंदाज है यार कितने घूम जाएगा। आओ सब आइडिया है। नए दो साहब आए हैं। चाहे जिंदगी है ये कितने टन का ये सब जो लगा है, ये 205 टन का लोड उठाता है ना, और ये जो हम अभी लेके आए हैं ये 190 टन है, और ये व्हाइट कलर वाला, अच्छा ये सबसे बड़ा है जो 205 टन उठाता है। अच्छा चलिए बहुत बढ़िया पापा। इसकी जो टायर है ये पहले वाले डंपर से भी बड़ी है, ये देखिए हाइट ऑलमोस्ट 2.5 टाइम्स द हाइट ऑफ 6 फीट मैन। सो ये इस कोल माइंस का सबसे बड़ा डंपर है जो 205 टन 205 टन्स ऑफ कोल एक बार में कैरी कर सकता है। ये इसका फेस फ्रंट लुक है, देख लीजिए।
आप देख सकते हैं ये हमारे पीछे जो खड़े हैं ये सारे डंपर्स हैं। इंडिकेटर है पार्क ब्रेक ऑन, ये ब्रेक कौन आ गया, उसका भी आ गया, निकल जाएगा। हाँ हमें पता है।